हमारे तीन घर थे कराची, फिर हम कायरो में हमें स्टे करना होता था। जाहिर है किसके करीब से ज्यादा उस वक्त तक पापा झगड़े चल रहे थे, बट आई डिड नॉट नो कि अब क्या होने वाला है। एक दिन मैं बाथरूम गया, मैं वापस आया तो माय फादर सेड के बेटा हम साथ नहीं रह सकते तुम्हारी मामा। मुझे आज तक याद है कि उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना बिजनेस डेवलप हुआ है जो कुछ हुआ है सब तुम्हारी मामा का है, और रंजमा तुम ये रखो सब, मैं सिर्फ अपना एक रुमाल उठाऊंगा और मेरा एक ब्रीफ केस है जो मुझे बहुत पसंद है, खाली है, वो मैं लेके जाऊंगा। आपके वालिद की दो शादी जी, आपकी वालदा से मतलब कितने अरसे पहले शादी हुई, क्या इनकी कहानी क्या थी? 71 में इनकी मुलाकात हुई, 70s में, 70 और 71 के दरमियान, एंड दे डिसाइडेड कि हमें जो है ना वो रोम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, इस बहाने जो है वो यूरोप भी चले जाएंगे। अच्छा, ये लोग आ गए रोम, 73 में मेरी पैदाइश हो गई। अच्छा, वो स्टडीज़ तो जो की उन्होंने की, उसके बाद बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और समहाउ वो बड़ा यंग कपल था और उनको उस वक्त उस ज़माने में ये समझ में आ गई कि इम्पोर्टिंग यू नो स्टफ़ फ्रॉम पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर इटली। तो उनको लगता था हैंडीक्राफ्ट, लेदर, कारपेट्स, ये चीज़ें इटली में पसंद की जाएंगी। तो उस चीज़ में दोनों मियाँ बीवी इंडल्ज हो गए और दोनों ने छोटे लेवल पर काम करना शुरू किया। तो फिर वो जो फेयर्स होते थे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, उसमें छोटा सा स्टॉल लिया, यहाँ से चीज़ें खरीदते थे पाकिस्तान से, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते थे। करते करते दे बिकेम एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के बहुत बड़ा एक नाम बन गया दोनों। 13-14 साल, लेकिन फिर वालदेन में डिफरेंस आया? डिफरेंस आया, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते थे शुरू से ही थे। हाँ, मैंने जब से होश संभाला मैंने फील किया कि दोनों में, जबकि बहुत अच्छा कॉम्बो था, बट मुझे लगता है वो दोनों की जो एनर्जीज थी वो स्ट्राइक करती थी, वो भी डायनामिक थे, ये भी डायनामिक थी, तो वो कहीं ना मुझे लगता था बचपन डिस्टर्ब रहा। लेकिन आपको निगलेक्ट तो नहीं किया? नहीं, निगलेक्ट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अच्छी लाइफ दी। मैंने खुद अपने जो शौक थे, हॉबीज थी, वो मैंने पिक करना शुरू की। मेरा रीडिंग का बहुत शौक था, तो मैं वॉल्ट डिज्नी बहुत पढ़ता था, तो मैं जब टेंस होता था मेरे लिए एक स्केप पॉइंट होता था कि मैं पूरी एक नॉवल जो है ना उस वक्त जल्दी जल्दी पढ़ के तो अपने आप को ठंडा कर लेता था। लेकिन बहुत अच्छी लाइफ, एक इटालियन बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसी दी उन्होंने, स्पोर्ट्स में डाला और हमेशा बड़ा अच्छी बातें सिखाई सब कुछ। यू नो इटालियन? यस, सी पार्लो इटालियानो, सुनो ने इटालियानो, सुनना तो नहीं था इटालियानो, नो नो इटालियन, आई कैन टॉक लाइक इटली बट आई कांट रियली टॉक इटालियन। या दैट्स ब्रिलियंट। तो डिफरेंस आया, फिर तलाक हुई? एक दिन पाकिस्तान, हमारे तीन घर थे कराची, फिर हम कायरो में हमें स्टे करना होता था। जाहिर है किसके करीब से ज्यादा उस वक्त तक? पापा, हमेशा से। अच्छा, पापा के ज्यादा? पापा के बहुत करीब था मैं। पापा से असल में मुझे ये होता था कि अगर होता ना कि घर में लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो अमूमन दोनों पेरेंट्स नाराज होके लेफ्ट राइट हो जाते हैं, बच्चा बीच में रह जाता है। ही वॉज द वन हु न्यू कि नहीं यार, ही इज बीन नेग्लेक्टेड इन द प्रोसेस। तो इधर आओ, आओ बैठ के फिल्म देखते हैं, आज मैं वो फिल्म देखने जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। झगड़े चल रहे थे, बट आई डिड नॉट नो कि अब क्या होने वाला है। तो हम कायरो गए, कायरो में स्टे किया, कायरो से जब कराची आए तो वन फाइन नाइट, एक दिन मैं बाथरूम गया, मैं वापस आया तो माय फादर सेड कि बेटा हम साथ नहीं रह सकते तुम्हारी मामा और मैं। मेरे लिए साजिद भाई, मुझे समझ नहीं, मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता था। मैं कहता था आप लोग लड़ लें, झगड़ लें, मैं आप लोगों को सेपरेट नहीं, ये नहीं था कभी तुम्हारे दिमाग में, दूर दूर तक नहीं था। फिर पापा ने, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना बिजनेस डेवलप हुआ है जो कुछ हुआ है सब तुम्हारी मामा का है, और रंजमा तुम ये रखो सब, मैं सिर्फ अपना एक रुमाल उठाऊँगा और मेरा एक ब्रीफ केस है जो मुझे बहुत पसंद है, खाली है, वो मैं लेके जाऊँगा। एक कपड़ा भी नहीं उठाया, एंड एट 4 in the morning विदाउट एनी क्लू ही लेफ्ट विदाउट एनी कार एंड एनीथिंग। And you stayed with your mom? I was confused. I was like, what the hell is going on? Achha, I thought ke as a responsible son, I should be with my mother. Because a mother is weaker than a father in many terms. But eventually, I actually, you know, left my mother and went to my father. Kitne mahine rahe apni walida ke sath? Sir, mahina bhi nahi guzar saka tha. Nahi guzar saka? Nahi se guzar saka. Wo, mere khayal mein unka jo anger tha, जो सारी सिचुएशन पता मुझ पे निकालती थी, तो मेरे समझ नहीं आता था कि हाउ टू डील विद दिस, आई एम नॉट द कल्प्रिट, मैंने तो कुछ नहीं। शक्ल मिलती होगी ना?
शायद किसी भी बासी साहब की मैं तो चुप सा आदमी था तो हरकतें तो कोई नहीं थी। पापा एक बहुत कल्चर आदमी थे, बहुत सीजनड इंसान थे, बहुत मिलनसार आदमी थे, तो उनसे एक महीना भी तुमसे गुजारा नहीं हुआ ना। ठीक है, तो उनकी उन्होंने किसी और से शादी करनी थी, ये वजह थी? उन्होंने तो बहुत अरसे बाद शादी की, उन्होंने 5-6 साल के बाद मुझसे इजाजत ली। ओके, कहते हो अगर तो मैंने कहा मैंने आपको देखा बहुत खुश रहते हैं इनका तुमके साथ, एंड आई थिंक दैट शुड बी समथिंग। अच्छा, यू वर अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन? यस सर, उनसे पहले सबसे पहले मुझसे पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर थी जिनके साथ शादी होनी थी, मेरी दूसरी अम्मा जी थी, तो मिलनसार हंसने बोलने वाली खातून, आपकी भी मुलाकात है। ओह यस, ओह यस, तो मुझे लगता था पापा खुश रहते, एंड दैट व्हाट इज ही डिजर्व्स। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे मेरी मामा ने बताया कि बेटा मैंने भी शादी कर ली। उस दिन मैं बड़ा लॉस्ट फील किया, मैं कह यार मेरे माँ बाप ने दोनों ने शादी कर ली है, ये तो अजीब सी बात है ना, समवेयर इन द मिडल, वेरी वेरी ट्रेजिक फॉर यू स्पेशली एज अ चाइल्ड। अगर देखा जाए वैसे तो जाहिर है जिंदगी में लोग मूव ऑन वेस्ट में तो ये बेताचा होता है, नॉर्म है एक तरीके का, होता ही है, और कई लोग जिंदगियां गुजार देते हैं शादी शुदाओं में और उसमें खुश नहीं रहते, तो ऐसी शादी को वैसे ही ख़त्म कर दीजिए। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, बड़ी कमाल बात है, और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ अपने शमून मियाँ से कि वो दिल की बातें इतने खुल के और हर एक के लिए और इसमें सबके लिए सोचने और समझने की भी ज़रूरत है। तो आपको जब पता चला कि आपकी वालदा ने भी दूसरी शादी करने की डिसाइड कर लिया है, तो क्या रिएक्शन था आपका उस पर? उस वक्त कंफ्यूज हुआ, थोड़ा लॉस्ट, ऐसा लगता था जैसे कोई एक रस्सी और चली गई हाथ से, क्योंकि पापा ने तो कर ली थी, तो मुझे ये था कि चलो। ये हमारे ड्रामों में शमून इन चीज़ों का बड़ा जिक्र होता है, बड़े लोगों को रिएक्शन शॉट्स और ये और वो और मोंटाजेस और ये, लेकिन आप तो हकीकत में इसे गुजरे हैं, तो एक फीलिंग ऑफ लॉस शायद इस वजह से कि दोनों वालदे और भाई बहन नहीं थे ना, तो देयर वाज नो वन टू शेयर द एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक मैसेज आपके शो के तवसुत से उन बच्चों को देना चाहूँगा जो ये चीज़ें फेस करते हैं, कि मैंने एक चीज़ सीखी, और सीखी भी नहीं, मैंने अपने अंदर मैंने जमाई, मैंने कहा मैंने इन दोनों रिलेशंस को निभाना है। या आपने फैसला किया कि इनको निभाना है चाहे कुछ हो जाए? हाँ, इनको स्टिग्मा में नहीं डालना है, स्टेप मदर स्टेप फादर वाले, क्योंकि मुझे पीस चाहिए। इफ आई बिकम दैट ट्रबल चाइल्ड कि माँ कुछ कह रही है स्टेप मदर, तो नहीं जी, बिकॉज शी इज़ माई स्टेप मदर तो शी इज़ रॉन्ग। तो हो सकता है मेरी माँ ने भी, मेरी अपनी माँ ने मुझे जूते लगाए हुए हैं, अगर मेरी स्टेप मदर मुझे डांट के कुछ समझा रही है तो शी इज़ अगेन। मारती भी थी? मारती नहीं थी, लेकिन वो बातें ऐसी कर देती थी कि वो मार के बराबर होती थी। क्यों ऐसी क्यों थी आपके ख्याल से आपकी वालदा ऐसी? मुझे लगता अब है आप सोचते हैं, अब तो देख के अब तो याद अब तो हाँ। तारीख एक का हिस्सा बन चुके हैं लोग। सर भी मुझे लगता है बस वो हम कभी कभी अपने आप को ना, कुछ दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राइचियस फील करवाना चाहते हैं 24/7। अगर उनको आप ये कह देंगे ना आपसे गलती हो गई है, तो उनके लिए उनकी जो इगोइस्टिक वो एक वो है ना, वो हर्ट होती है। She didn't like that. She didn't like that. My father was a very dismissive person. गलती को गलती मानना, हाँ हंस देते थे, हाँ हाँ यार गलती हो गई, हाँ इस तरह करके बात खत्म। तो हमने उनसे सीखा कि यार जब इनसे गलती होती है तो इज़ वेरी डिसमिसिव, मामा से होती है मामा सख्त हो जाती हैं, तो यू कैन नॉट करेक्ट द मदर। तो देखिए सबकी माएँ अच्छी होती हैं, सब कुछ होता है, मेरी एक डिफरेंट मदर थी। बट अब इसमें जो अच्छा पहलू है वो ये है कि व्हेन माय स्टेप मदर, जिनको स्टेप मदर कहा जाता है और एक स्टिग्मा बनाया हुआ है जी, ऐसी तो फिर ड्रामे बनते हैं उस पे, ड्रामे बनते हैं, जालिम होती है, स्टीरियोटाइप होता है, मारती है ये और वो चलाकी। मेरी वालदा जितनी मोहब्बत करे, मेरी दो वालदाएं थी मेरी, और मैं आपसे बिल्कुल कसमियां खा सकता हूं कि इंतहाई मोहब्बत करती थी मेरी वालदा। फिर उन्होंने वो जो मदर, अच्छा मैं कभी ना अपनी माँ के, सगी माँ के गले लग के नहीं रोया लेटा, सो उनके कभी गोद में नहीं लेटा, मुझे याद ही नहीं है। शी नेवर केप्ट दैट रिलेशनशिप, सो देयर वाज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ। डिड शी हैव अदर चिल्ड्रन आफ्टर योर फादर? नहीं, उनके नहीं थे। फिर पापा के बेबीज हुए 3, माशाल्लाह उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा हुआ, और मुझे लगा मेरे भाई बहन पैदा हो गए, बात खत्म हो गई, देयर इज नो स्टेप और फलाना। बट योर फादर वाज वेरी फ्रेंडली टू यू, तुमने तो घर में महसूस, यस, तो फाइनेंशियली उन्होंने ही सपोर्ट किया तुम्हें फिर? मैं जब यहाँ आया, मतलब पापा के पास रहने लगा, तो उन्होंने कहा कि बस तुम मेरे तो बच्चे हो ही यार, मैंने कोई स्पेशल थोड़ी वो कुछ करना है।